हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी सख्ती बरत रहा है। लॉकडाउन में बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान कर पुलिस वाहनों को जब्त कर रही है। वहीं अंबाला में भी पुलिस किसी तरह की ढील बरतने के मूड में नहीं है। अंबाला पुलिस मई महीने में अब तक 951 लोगों के चालान काट चुकी है, जिसमें 612 चालान बिना मास्क वालों के काटे गए हैं। टोटल मई महीने में 951 चालान करे गए, जिसमें 612 चालान मास्क के करे गए। ये कोरोना की वजह से नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, सख्ती के आदेश आए हैं ऊपर से, सख्ती कर रहे हैं, सब लोगों को समझा भी रहे हैं भाई ज़्यादा से कम बाहर निकले, घर से कम दूरी बना के रखे, बीमारी के कारण ने खुद भी अपने जान जोखिम में ना डालें। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, आगे भी कार्रवाई सख्ती ऐसी रहेगी, ऊपर से आदेश आए हुए हैं भाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करो ताकि जितने लोगों को बचाया जा सके, बीमारी से बचाओ। अंबाला में मई महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जिले में 21 दिनों में 7403 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना के कारण 188 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद अंबाला में बहुत लोग लापरवाही कर बाहर घूम रहे हैं। मई 2021 की बात करें तो मई 2021 के अंदर अंबाला जिला में 7403 जो कोरोना के नए मामले जो रिपोर्ट किए गए हैं, और जो अगर हम डेथ की बात करें, डेथ केसेस की, तो 188 जो हमारे जो मौत का आंकड़ा जो रहा है अंबाला जिला के अंदर। पर इसी मई महीने में अगर हम हफ्ते दर हफ्ते की बात करें, तो पहले हफ्ते में 1 से 7 तारीख में करीब 2900 केस रिपोर्ट हुए थे, और जो 8 से 14 का जो हमारा दूसरा हफ्ता रहा है उसके अंदर 2890 केस थे, और जो हमारा तीसरा हफ्ता है जो लॉकडाउन के दौरान का जो ये अगर हम हफ्ते की बात करें, तो जो नए केस हैं वो 1618 रहे हैं। तो हफ्ते दर हफ्ते जो अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें, तो 20% से घट के पहले 12% और अभी जो है वो 9% जो है इस समय पॉजिटिविटी रेट जो है अंबाला जिला के अंदर कोरोना के नए केसेस के मामलों का चल रहा है। अंबाला में कोरोना से मई के महीने में कोरोना कहर बनकर टूटा है। इस दौरान जहां 7000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 188 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि जिले में 21 दिनों में 8512 मरीज ठीक हो चुके हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।